साल की विशेष आभार डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी का, जो कि हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, हमारे गुरु जी। गुरु जी आप उस वटवृक्ष की तरह हैं जिसके नीचे बैठकर वो हर इंसान, वो हर जीव शीतलता महसूस करता है। वो चाहे जितनी तपिश से आया हो, चाहे जितनी गर्मी से आया हो, चाहे जितना परेशान हो, इसलिए आपका विशेष तौर पर आभार कि आप हम लोगों को सदैव अपना आशीर्वाद देते हैं, हम लोगों के साथ खड़े होते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी परेशान हो, कोई व्यक्ति कितना भी व्यथित हो, कोई व्यक्ति क्यों ना कितना उदास हो, लेकिन जब वो आपके संपर्क में आता है तो उसके सारे विकार दूर हो जाते हैं। वैसे तो हर साल पामवेदा की तरफ से पामिस्ट्री डे का आयोजन किया जाता है और वो मई के महीने में होता है। लगातार पिछले 5 साल से परंपरा चली आ रही है, और लेकिन ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो कार्यक्रम उस पामिस्ट्री डे से बिल्कुल अलग है, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार सीईओ मैडम को देना चाहेंगे, जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, जिन्होंने अपना सहयोग दिया। आज उन्हीं के सहयोग की वजह से ये कार्यक्रम हो पा रहा है, और इस कार्यक्रम की नींव तो वैसे बहुत पहले पड़ी थी, लेकिन पता नहीं किन्हीं परिस्थितियों की वजह से ये कार्यक्रम हो नहीं पा रहा था, क्योंकि विषय ऐसा था, लेकिन शायद ये सौभाग्य मैडम के खाते में जाना था, इसलिए ये कार्यक्रम अब हो पा रहा है। 2017 में हम लोग पामिस्ट्री डे का आयोजन कर रहे थे, और उस समय के तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन मेघवाल जी उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे, और गुरु जी अक्सर हमसे बात करते रहते थे कि हम लोग बहुत ढेर सारे काम करते हैं, हस्तरेखा देखते हैं, लोगों का भविष्य बताते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, लेकिन हमारा काम सिर्फ इतना नहीं है, हमारा काम इससे थोड़ा बढ़ करके, हमारा काम यह है कि कैसे हर व्यक्ति खुशी हो, सुखी रहे, समाज में लोग खुश रहे। और ये हम लोग चर्चा करते थे, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा आधारभूत ढांचा नहीं था कि जिसके तहत लोगों तक ये मैसेज भिजवाया जाए। तो अर्जुन मेघवाल जी उस कार्यक्रम में आए थे, और उन्होंने सरकार के मंत्री होने की हैसियत से उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि गुरु जी ने जो समय बातें कही उसको सुनने के बाद उन्होंने बोला कि भारत सरकार हैप्पीनेस पर काम करना चाहती है, और हैप्पीनेस इंडेक्स की चर्चा उस समय पूरी दुनिया में होने लगी थी। मैं 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस समय हमको भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, हम लोगों को भी मतलब ये नहीं पता था किस तरीके का इंडेक्स होता है, लेकिन कुछ देशों में काम होने लगा था, और कहा जा रहा था कि भूटान जैसे देश है जो कि हैप्पीनेस इंडेक्स की दुनिया में सबसे ऊपर है। तब अर्जुन मेघवाल जी ने सात्विक तौर पर एक चर्चा की और गुरु जी से कहा कि आप हैप्पीनेस पर कार्यक्रम करिए, और उन्होंने एक ऑफिशियली गुरु जी से एक प्रपोजल मंगवाया, जिसको गुरु जी ने प्रपोजल को उनको बाद में कार्यक्रम के करीब 1 हफ्ते बाद जाकर के अर्जुन मेघवाल जी को प्रपोजल दिया, और काफी उससे वो खुश हुए थे। लेकिन उसके बाद हम लोग कोई ऐसा कार्यक्रम कर नहीं पाए। अभी करीब 2-3 महीने पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसी दौरान गुरु जी ने मैडम से जो भी चर्चा रही थी, और मैडम ने सारी व्यवस्था करवाई, और उसके बाद एक कार्यक्रम हुआ। क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो यही है कि सुखी समाज के निर्माण में पामिस्ट्री का योगदान, तो हमारे लिए आज बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि हम या पामवेदा या गुरु जी, हम उसी पूरे टीम के सदस्य हैं। सदस्य होने के नाते जो गुरु जी कहते हैं वही मैं समझता हूँ। गुरु जी बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, तो गुरु जी ने यह कहा कि देखिए हम हर व्यक्ति को बदल नहीं सकते, हम पूरे समाज को बदल नहीं सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, वो काम ये है कि हम अपना मैसेज लोगों तक दे सकते हैं, अपना संदेश दे सकते हैं, हमारे पास जो ज्ञान है वो लोगों के बीच में जाकर के बता सकते हैं। अब ये लोगों का काम है कि उस मैसेज को ले, उस संदेश को ले, उस ज्ञान को ग्रहण करे। तो इस महा आयोजन महा विषय या एक बहुत ही महान विषय के बीच हम लोग छोटा सा काम कर पा रहे हैं, उसके लिए हम गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, साथ साथ में यहाँ पर जो अतिथिगण आए हुए हैं उन सभी व्यक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज यहाँ पर पधार करके हम लोगों के हौसला अफजाई कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके के हमारे कार्यक्रम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।